लेकर चलते हैं आपको बिहार। ऐसा लग रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला अब जल्द ही तय हो सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की ओर से 50-50 का जो फॉर्मूला दिया गया है, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में 2019 के लिए टिकट तय कर दिए जाए कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। विकास भदौरिया हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में एनडीए के अंदर सीटों पर अब बात बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के सामने नया फॉर्मूला पेश कर दिया जिस पर सहमति बन सकती है। जेडीयू ने बिहार की 40 सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला दिया है। ऐसे में बीजेपी जेडीयू 16-16 सीटों पर लड़ सकती है। इस फॉर्मूले से पासवान की एलजेपी को 5 और कुशवाहा को सिर्फ 3 सीटें मिलेंगी। आपको बता दें कि बिहार में पहले से ही बीजेपी जेडीयू के बीच 17 और 16 सीटों का फॉर्मूला चल रहा है। ऐसे में बीजेपी 16-16 के फॉर्मूले से सहमत हो सकती है। बीजेपी के पास बिहार में फिलहाल 22 सीटें हैं। पाटलिपुत्र से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और दरभंगा से कीर्ति आजाद बागी हो चुके हैं। बेगूसराय से सांसद भोला सिंह का निधन हो चुका है और सासाराम से छेदी पासवान का टिकट कटना भी तय है। ऐसे में नीतीश के 50-50 सीट वाले फॉर्मूले से बीजेपी को कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश के इस फॉर्मूले से बीजेपी को अपने 2 मौजूदा सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक नवंबर के अंत तक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और नीतीश कुमार सीट बंटवारे का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी पासवान और कुशवाहा से बातचीत बाकी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।